ओके, तो आज हमारे पास जो सी प्लस प्लस की क्लास पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, राइट एन इफ स्टेटमेंट एट प्रिंट द मैसेज द नंबर इज़ वैलिड इफ़ द नंबर द वेरिएबल ग्रेड इज़ विद इन द रेंज 0 to 100। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं कि किस तरह सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सवाल को, और अपने कंपाइलर में ले जाके यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट हो गया यहाँ पे मेरा सवाल, इसलिए पेस्ट किया है कि आपको समझ में आ जाए। और इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ यहाँ पे। कमेंट्स मैं इस तरह से करता हूँ कि स्टारिक लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी स्टारिक लगा के यहाँ पे इसको फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ। ये अब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये है प्रॉब्लम 36। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, अब हम शुरू करेंगे अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिख लेते हैं यहाँ पे, और फिर इसके बाद हैश इंक्लूड के बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इंटीजर मेन लिख लेते हैं यहाँ पे, और लिखने के बाद दो ब्रैकेट्स लगा के स्टार्ट करते हैं, सी आउट एंड लाइन कर देते हैं यहाँ पे, सिस्टम को यहाँ पे हम पास कर देते हैं, और यहाँ पे इस तरह से आते हैं, रिटर्न हम यहाँ पे ज़ीरो कर लेते हैं। ये हमारा हो गया मामला सेट, और यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। सक्सेस वाले ग्रुप पे चलते हैं, सक्सेस वाले ग्रुप में हम यहाँ पे लिख रहे हैं चैप्टर 4 प्रॉब्लम इफ एल्स कंडीशन प्रॉब्लम 36। ओके, प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है सॉल्व करने के लिए, वो कह रहा है कि भाई ऐसा एक प्रोग्राम बनाएं जिस प्रोग्राम में आप जो है एक वेरिएबल लें, जिस वेरिएबल का नाम रखें ग्रेड, अगर उसके अंदर वैल्यू 0 से 100 के अंदर अगर आप पुट करें, मतलब अगर उसके अंदर जो वैल्यू है उसका इनपुट 0 से लेके अगर 100 तक का हो, तो वो जो एक मैसेज है हमें कह रहा है दिखाने के लिए द नंबर इज़ वैलिड ये दिखाए। अदरवाइज अगर 0 से पहले की और 100 से बाद की कोई भी डेटा इंटर की जाए तो ये मैसेज ना दिखाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको इफ़ कंडीशन के ज़रिए कैसे करेंगे। इफ़ कंडीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, जिसको हम समझ जाएं तो हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर ऐड कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर एआई का फीचर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इफ़ कंडीशन को हम लिखेंगे कैसे, ये उसका कंडीशन ब्रैकेट, ये उसका बॉडी ब्रैकेट, फिर ये हमें कह रहा है ग्रेड का ब्रैकेट डिफाइन करें। तो इंटीजर या डबल करके कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं GRED ग्रेड के नाम से, और इनिशियल वैल्यू उसकी 0 कर देते हैं। फिर ये कह रहा है कि एक मैसेज दिखाएं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर वैल्यू फॉर ग्रेड, ये मैसेज यूज़र के लिखा रहे हैं 0 to 100। तो ठीक है, तो कोई भी अगर इसके दरमियान की कोई वैल्यू डाले उसको हम एक मैसेज दिखा रहे हैं यूज़र को, और यहाँ पे सी इन करके इनपुट ले लेते हैं ग्रेटर देन लगा के ग्रेड के अंदर। अभी आप देखेंगे बहुत आसान है, और इसके बाद आपको ये समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही इनपुट लेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ ग्रेड, अगर ग्रेड की वैल्यू ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 0 के, और यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसके बाद दोबारा लिखेंगे और अगर ग्रेड की वैल्यू लेस देन है और इक्वल टू है 100 के, मतलब ये हमने एक रेंज बता दी। ये दो कंडीशंस बताई हैं, और जो ये ऑपरेटर यूज़ किया है इसका क्या नाम है, इसका नाम अभी हम आपको समझाते हैं कि इस तरह के हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका नाम क्या होता है। तो एक फ़ाइल भी आपको दे देंगे, उसमें से याद कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बना रखी है जिसका नाम है, यहाँ पर ऑपरेटर्स के नाम से हमने एक फ़ाइल बना रखी थी, ओके, टर्बोसी ऑपरेटर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये जो ऑपरेटर हैं इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड, इसका साइन कुछ इस तरह का होता है, और ये है लॉजिकल और, जो ये दो पाइप साइन होते हैं, और लॉजिकल नॉट इस तरह से होते हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। कभी भी आप दो ऑपरेटर, दो एंड एंड साइन देखें, दो और साइन देखें, एक नॉट साइन देखें, तो इन ऑपरेटर्स को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर बीच में लगाया है, इसलिए लगाया है कि ये दोनों कंडीशन को चेक करेगा, यानी कि ये इस कंडीशन को भी चेक करेगा और ये इस कंडीशन को भी चेक करेगा। अब इसका जवाब ये है कि अगर इस कंडीशन में फॉल्स हो जाता है इसको ट्रू हो जाता है तो भी आंसर फॉल्स आना है, अगर इस कंडीशन में ट्रू हो जाता है इसमें फॉल्स आ जाता है तो भी इसका आंसर फॉल्स आना है, अगर इसका आंसर फॉल्स हो जाता है इसका कंडीशन का भी फॉल्स हो जाता है तो भी आंसर फॉल्स होना है। फॉल्स होने की सूरत में जो हम इस वे बॉडी ब्लॉक के अंदर कोड लिखेंगे वो ये परफॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ इस ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो तो ही वो अंदर वाला कोड परफॉर्म करेगा। तो हमें क्या मैसेज दिखाना है, तो ये हमें कह रहा है कि इसके अंदर मैसेज दिखा दो नंबर इज़ वैलिड। तो नंबर इज़ वैलिड का मैसेज हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और उसको सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे रख के हमने कहा सी आउट एंड लाइन, ठीक है, स्लैश स्लैश डबल कोट, और यहाँ नंबर इज़ वैलिड और लेस देन करके फिर दो एंड लाइन लगा दिए ताकि हमारा मैसेज प्रॉपरली नज़र आए। अब अगर इसके दरमियान में कोई नंबर डालेंगे तो ये मैसेज आएगा, और अगर ये नहीं डालेंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा।
तो मकसद क्या होगा, फिर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, एंड हो जाएगा प्रोग्राम। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा एक मैसेज बना लेते हैं कि यहाँ पर एक लिख देते हैं द नंबर इज़ इन यू हैव एंटर्ड इनवैलिड नंबर, लिख देते हैं एक अपनी तरफ से लिख देते हैं, हालांकि प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो अब ये आपका प्रोग्राम दो तरह काम करेगा, अगर कोई ज़ीरो और हंड्रेड से दरमियान या इस दोनों की वैल्यू डालेगा ज़ीरो से लेकर हंड्रेड तक की, तो ये कोड रन होगा हमारा, ये कोड रन नहीं होगा, ठीक है, ये कोड फिर भी रन होगा, हाँ ये कोड फिर भी रन होगा क्योंकि हमने इसका एल्स पार्ट नहीं बनाया ना, तो सिर्फ इसको हटा देते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को फॉलो करते हैं जो ये बात कह रहे हैं। तो ये पार्ट कोड का हमारा जब परफॉर्म होगा, कोई ज़ीरो और हंड्रेड के दरमियान या ये वैल्यू डालेगा, और अगर कोई ये वैल्यू नहीं डालेगा तो ये पार्ट प्रोग्राम का रन नहीं होगा, डायरेक्टली ये प्रोग्राम पार्ट का रन होगा। तो यहाँ पर हम लिखा देते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को F11 करके, फॉलो करते हैं प्रोग्राम जैसे वो हमें कह रहा है। तो ये कह रहा है यहाँ पर एंटायर वैल्यू फॉर ग्रेड, तो मैंने डाला यहाँ पे 6, तो देखें कह रहा है द नंबर इज़ इनवैलिड, इज़ वैलिड यानी कि सही है, ये वाला कोड रन हुआ हमारा बीच का ये जो आ रहा था, और अब मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 99, तो ये अभी भी कह रहा है द नंबर यानी कि ये वाला कोड रन हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखते हैं सपोज टू बी 101, तो देखें हमारा बीच वाला कोड परफॉर्म नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन यहाँ फॉल्स हो या कंडीशन यहाँ फॉल्स हो तो ये बीच वाला कोड रन नहीं होगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है, ठीक है।